योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की। आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। इस योजना से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खाते में 4 किस्तों में तकरीबन 5700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसकी शुरुआत आज 21 मई से ही पहली किस्त के रूप में हुई है, जिसमें 3300 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजे गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ इस योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। सरकार की इस योजना से धान और गन्ना के साथ साथ मक्का उत्पादन किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी न्याय योजना लाने का ऐलान किया था और इसके तहत लगभग 25 करोड़ लोगों को 7500 रुपए महीने में उनके खाते में भेजे जाने थे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। इसी तरीके से कोरोना महामारी के इस दौर में भी राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से देश की अर्थव्यवस्था पर बातचीत की थी और इस दौरान भी इस न्याय का योजना का जिक्र हुआ था। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत कर दी है। इसमें 1 साल में 5700 करोड़ 4 किश्तों में सीधे गरीब किसानों के खाते में डाले जाएंगे, जिससे 19 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी शुरुआत की और इसका लाभ ये हुआ कि हमारे आदिवासी या परंपरागत से निवास करने वाले हमारे वनांचल में रहने वाले साथियों का शोषण बंद हुआ, बिचौलियों से बचे, उन शोषित होने से वो बचे और उसका लाभ ये हुआ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हम भारत सरकार ने घोषित किया, उससे भी अधिक राशि में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी की और 25 लघु उपज अभी हम खरीद रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो 12-13 लाख जो हमारे वनांचल में रहने वाले परिवार हैं उनको इस वर्ष लगभग 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रति परिवार 20,000 रुपया वार्षिक लाभ इससे होगा। आपको पता ही है कि तेंदूपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हम लोग खरीद रहे हैं, उसी प्रकार से महुआ जो 17 रुपया समर्थन मूल्य था उसे बढ़ा के 30 रुपया किया, इमली भी हमने खरीदा और इस प्रकार से लोगों के आय किस प्रकार से बढ़े इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश में महिला